आईपीएल के 28वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता को हराकर अपनी पहली जीत हासिल की। दिल्ली में खेले गए मुकाबले में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 127 रन बनाए। दिल्ली के कैप्टन डेविड वार्नर ने हाफ सेंचुरी लगाई, जिसकी बदौलत आखिरी ओवर में 3 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया गया। हार के बाद नीतीश राणा ने कहा कि हमने बल्लेबाजी के दौरान 15 से 20 रन कम बनाए। हमें पता था कि विकेट बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी और हम ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करने के बारे में सोच नहीं रहे थे। नीतीश राणा ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मुझे टिककर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, हमें एक टीम के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा।